हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन मैं आपको MOM 9D जो है उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये किसी की आई थिंक NCI थी जो मुझे मेल में किसी ने पूछा था कि इसका क्या मतलब है। बेसिकली स्टैंडर्ड ही उन्होंने लिखा था, तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ MOM 9D में क्या चीजें आनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। गाइस, MOM 9D जो है बेसिकली आपकी कीमोथेरेपी और रेडियो एक्टिव जो एजेंट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको बेसिकली फोकस करता है, ठीक है। तो ये जो MOM 9D है इसमें आपके कीमोथेरेपी ड्रग्स, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव ड्रग्स। अब देखिए, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मेडिसिन जो है कैंसर की प्रिपेयर की और फटाफट से लगा दी। इसके लिए कुछ चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली चीज जो है, कीमोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, रेडियो एक्टिव ड्रग्स है, तो ये आप वैसे भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि कहीं भी आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो इसके लिए बायोमेडिकल जो गाइडलाइंस हैं उनको जरूर फॉलो करें। फर्स्ट चीज तो ये है, बायोमेडिकल गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, ठीक है, इनको डिस्कार्ड करने के लिए, क्योंकि ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं और काफी ज्यादा साइटोटॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंड चीज देखिए, बायोमेडिकल गाइडलाइंस तो आपने सभी में फॉलो करनी है, जरूरी नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं उसी के लिए करें, बट कैंसर ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं उनकी डिस्कार्डिंग कैसे करनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज जो है, एक क्वालिफाइड पर्सनल हो, क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है, जिसने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली हो कि केमोथेरेपेटिक जो ड्रग्स हैं, ठीक है, इनको बनाना कैसे है, ठीक है, इनको प्रिपेयर कैसे करना है और इनको एडमिनिस्टर कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए जिनको ये ट्रेनिंग दी गई हो, और ये ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो इनकी फाइल में भी लगाओ, ठीक है। और स्टाफ जो है वहां पे जो काम कर रहे हैं उसको भी ये ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहली चीज और दूसरी चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर है, बायोमेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और क्वालिफाइड पर्सनल हो, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग हो, ठीक है, मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मेडिसिन को आपने प्रिपेयर करना है तो आप नॉर्मल रूम में उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं फटाफट से वायल खोला और उसी टाइम सबके सामने आपने उसको एडमिनिस्टर भी कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर रूम होना चाहिए, ठीक है, जो भी ड्रग्स आप प्रिपेयर करेंगे उसके लिए एक प्रॉपर रूम होना चाहिए, जिसको आप प्रिपरेशन रूम भी कह सकते हैं, ठीक है, एक रूम होना चाहिए। और उसके अंदर बायो सेफ्टी कैबिनेट्स क्लास 2, ठीक है, तो उसमें बायो सेफ्टी कैबिनेट्स हो, वहीं पे ही आप उसको प्रिपेयर करेंगे, बायो सेफ्टी कैबिनेट्स क्लास 2, और इसमें भी क्लास 2A, ठीक है। तो बायो सेफ्टी कैबिनेट्स क्लास 2A आप यूज करेंगे केमोथेरेपेटिक ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए, और जब भी आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपने प्रॉपर PPE वियर करना है, और जब भी आपके जो मेडिसिन हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपने इमीडिएटली जो भी आपने PPE वियर की होगी उसको डिस्कार्ड करना है, उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने मिक्स करते टाइम, केमोथेरेपेटिक ड्रग्स को प्रिपेयर करते टाइम जो भी आप PPE वियर करेंगे उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है, और आपने बायो सेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि इस MOM 9D में आएंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड है, वो समझ नहीं आया था, किसी ने मुझे मेल किया था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सभी को कि इसके अंदर क्या चीजें आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे मेल कर सकते हैं, जब भी मैं मेल देखूंगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है टाइम नहीं लगता है, बट जब भी मेल मैं देखती हूँ, जो भी मेल्स आई होती है मैं उनपे रिवर्ट जरूर करती हूँ, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।